Hello friends, welcome back to our channel Prince Talk. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Siemens Limited. So Siemens Limited offers product integrated solutions for industrial applications for manufacturing industries, drives for process industries, intelligent infrastructure and buildings, efficient and clean power generations from fossil fuel and oil and gas applications, transmission and distribution of electrical energy for passengers and freight transportation, including rail vehicles, rail automation and rail electrification systems. So Siemens ये जो industry company है, ये company सब जो companies है, जैसे कि manufacturing sector की companies होती है, उसके बाद जो power transmission यानी power के sector की companies होती है, उनको वो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, यानी उनके लिए सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स प्रोडक्ट डिवाइस बनाते हैं जिससे कि उनकी प्रोसेस ऑटोमेट हो सके और उनका जो काम है वो विथ लेस मैन पावर और कंप्यूटर्स और उनके जो सर्किट्स और उसके साथ है वो कर सके, और इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम जो है उसमें भी उनके अनेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अगर हम देखते हैं इसके की पॉइंट्स, तो एनर्जी सेगमेंट से इसका 40% रेवेन्यू आता है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से 28% आ रहा है, डिजिटल इंडस्ट्रीज सेगमेंट से 19% रेवेन्यू आ रहा है और मोबिलिटी सेगमेंट से 9% रेवेन्यू आ रहा है। इसी के साथ पोर्टफोलियो कंपनीज जो है उनसे 4% रेवेन्यू आ रहा है। अगर जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें, द कंपनी रिसीव 77% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम इट्स बिजनेस विद इन इंडिया, व्हाइल रेस्ट 32% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड ऑफ द इंडिया। सो इंडिया में इसका काफी अच्छा प्रेजेंस है। अगर हम देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 105,661 करोड़, सो एक लार्ज कैप कंपनी है विथ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 2,967। अगर आप इनका 52 वीक हाई देखते हैं तो 3,138 है और लो जो है वो 2,150। इसका बुक वैल्यू है 326, सो प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 9.1 है। इसी के साथ इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 15.9 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ऑलमोस्ट 11%। अगर स्टॉक पी देखते हैं तो 83.7 है और इंडस्ट्री पी जो है 33.6, सो ये अपने पीयर्स से थोड़ा महंगा है। अगर हम देखेंगे तो स्टॉक इज कंटिन्यूसली ट्रेडिंग अबव 200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट, एंड अभी इसने ये 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया है और इसके अभी ऊपर ट्रेड हो रहा है, और इसी के साथ इसका वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है ये ट्रेड के साथ, तो इसके लिए ये स्टॉक हमारे सिस्टम में आया है। अगर हम पी देखेंगे तो पी इसका एवरेज पी जो है वो 60 के थोड़ा नीचे है, 55 के आसपास, और उसके हिसाब से ये फिलहाल थोड़ा महंगा शेयर है अगर हम पी के रेशो के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो एक काफ़ी अच्छा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स देखते हैं तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पेआउट ऑफ 27.2% और कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 30.8 डेज टू 17.9 डेज। कॉन्स में जैसे कि हमने देखा बुक वैल्यू जो रेशियो है वो ज़्यादा है, कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.84% over the past 5 years, company has a low return on equity 10.3% over the last 3 years, earning includes other income of 589 crore which is not shown properly, means abhi uska justification barabar nahi diya hai, iske liye inhone diya hai other income 589 crore। agar hum peer comparison dekhenge to ye iske peers mein sabse badi company hai market capitalization ke hisab se ना। हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो 2009 से 2022 तक है तो सेल्स जो है 9000 करोड़ से बढ़कर 13000 करोड़ अभी है और सितंबर 22 का 16000 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 826 से 1757 करोड़ तक आया है, प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट मेंटेन है 10-11% के बीच में, नेट प्रॉफिट जो है वो 700 करोड़ से भी बढ़कर 1543 करोड़ तक आया है, विच इज़ अ गुड थिंग।
अगर हम सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 18% है, प्रॉफिट ग्रोथ 16%, सीएजीआर 21% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स आर होल्डिंग 75% शेयर, एफआईआई हैव इंक्रीज देयर होल्डिंग फ्रॉम 4% टू 6%, डीआईआई हैव मेंटेन्ड ऑफ एट 9% और रिटेल पब्लिक होल्डिंग हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 10.7 टू 9.4। सो दीज पीपल दैट स्मार्ट पीपल आर एक्वायरिंग द शेयर्स, सो एक अच्छी बात है स्टॉक के लिए, एक हमें इंडिकेशन करती है कि ये बड़े लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, तो ये कंपनी आगे जाके काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नाउ लेट्स गो टू चार्ट। अगर हम देखते हैं तो मार्केट अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है या मोर ओवर अभी एक दिखा रहा है साइन कि वो थक चुका है ऊपर जाके, अभी ज़्यादा नए हाई नहीं बना रहा है, लेकिन ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट दे रहा है ये इसी सिचुएशन में, जो कि एक अच्छी बात है। और ये जो ब्रेकआउट आया है वो वीकली कैंडल पे आया है, तो हम इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं और इसका हमें स्टॉप लॉस जो मिल जाएगा वो छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जब एंट्री लेवल है ये करंट लेवल के आसपास हो जाएगा और हमें स्टॉप लॉस जो लेना पड़ेगा वो ये लेवल का आएगा, जो कि 9% स्टॉप लॉस आएगा। और इसके इसमें अगर हम हमारा टारगेट 1:2 भी रखते हैं तो आता है ऑलमोस्ट 3500 का लेवल, 3542 3550 का लेवल हम इसमें देख सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो वीकली चार्ट है ये ऑलमोस्ट 6 मंथ से 1 ईयर के लिए हम देखते हैं, तो अगले एक साल में इसमें एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 20% का हमें इसमें अपसाइड एक्सपेक्टेड है। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो RSI है उसने भी 60 के ऊपर अभी आना शुरू किया है। इसी के साथ जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी अच्छा बिल्डअप हुआ है, अगर आप कंपेयर करेंगे एवरेज वॉल्यूम से, तो ये एक स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सिग्नल है कि इसने ब्रेकआउट जो दिया है वो सस्टेन कर सकता है। लेकिन स्टॉक कोई भी हो, जब मार्केट में सेलिंग का प्रेशर आता है तो हर कोई स्टॉक उसमें करेक्ट होता है और वो नीचे आ जाते हैं। तो ये कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन हमें अभी ये करंट सिचुएशन में थोड़ा स्टॉप लॉस का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसे सोच रहा है जैसे कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह, तो हमें स्टॉप लॉस की जगह यहाँ पे ये 10% अगर नीचे आता है तो उसको हम एवरेज भी कर सकते हैं। और आप बहुत बार देखते हैं कि कोई कोई कंपनी कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन फेज में जाती है, तो ये जो उसका लोअर लेवल है यहाँ पे ये आके फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो हम यहाँ पे अगर आता है स्टॉक और हमें लॉन्ग टर्म हम अगर होल्ड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर इसे देखते हैं तो यहाँ पे आने के बाद हम इसे फिर से एक बार बाय कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ भी हमने इससे पहले भी बनाए हैं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वो आपको ऊपर मिल जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तो आपको अलग अलग जो वीडियोज़ है इससे पहले वो भी उनका परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।